यहां से वो कैमरा कहाँ से होगा? कैमरा है तो कैसे करियो, गो लाइव पर क्लिक करो। देख तो रहे हैं कमेंट लाइव, 14 लोग हैं। हेलो हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं? क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? हेलो, मैं हूँ संयोगिता सिंह और अमूल फेसबुक पेज पर लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं आज बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा, जिसके लिए इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किया है। ये मैंने लिया है आधा केजी गाजर लिया है मैंने, और यहाँ पे मैंने मावा लिया है जो कि अमूल मिल्क से बनाया हुआ है, और शुगर ली है, कुछ ड्राई फ्रूट्स जिसमें बादाम और काजू लिए हैं, और ये मैंने लिया है इलायची का जो है उसको कूट करके इसको दरदरा एक वो बना लिया है पाउडर। हेलो एवरीवन, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं गाजर का हलवा बनाना। जिसके लिए यूज करेंगे हम यहाँ पे अमूल का घी, हमने यहाँ पे 2 चम्मच घी का यूज किया है, कोई कमेंट आए तो बताना। नेम से बताना हमको। दीपक, हेलो दीपक जी, नीलम गुप्ता, हाउ आर यू? हेलो नीलम गुप्ता जी, यहाँ पे सबसे पहले हम अपने काजू को थोड़ा सा इसको, धीरज, हेलो धीरज, धीरज जी, थोड़ा सा हम इसको घी में इसको रोस्ट करेंगे, बिल्कुल हल्का सा, जिससे कि इसका कच्चापन और थोड़ा सा ये क्रंची हो जाए। तो हम आज यहाँ पे बना रहे हैं गाजर का हलवा, जो कि सर्दियों के सीजन में मार्केट में खूब अवेलेबल होता है। तो अब इसके बाद हम अपनी गाजर को डाल के थोड़ा सा इसको भूनेंगे।
इसे हम 1 से 2 मिनट तक इसे हम भूनेंगे कि ये मुलायम हो जाए। और ये थोड़ा सा भून के इसमें एक सौंधी सी खुशबू आने लगे। हमने यहाँ पे 500 ग्राम गाजर ली है, जिसके लिए हम इसमें यूज करेंगे करीब 100 ग्राम शुगर। और गाजर हमारी ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक, बहुत ही पौष्टिक होती है और बहुत ही टेस्टी भी होती है। जब हम इसका हलवा वगैरह बना के कुछ भी खाते हैं तो बहुत टेस्टी होती है। इसमें ढेर सारे विटामिन्स और फाइबर अब इसी कंडीशन पे हम इसमें शुगर को ऐड कर देंगे। इतने के लिए हमने 100 ग्राम शुगर यूज की है। तो ये गाजर का हलवा तो आप सब भी अपने घर में बनाते होंगे, लेकिन आज इसे आप मेरे तरीके से देखिएगा और बताइएगा कि कैसा बना है इसे। इसे हम थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, जिससे ये जल्दी होगा। और जब तक हमारा ये हो रहा है, हम ये अपने ड्राई फ्रूट्स कट करके रख लेते हैं। इसमें से कुछ टुकड़े तो हम 2 पीसेस में लेंगे। और बाकी यहाँ हम 2 से 3 टुकड़ों में से कट कर लेंगे। हेलो रोनी राय जी, हेलो सॉरी रूबी रॉय जी, थैंक यू शशि केसरी, थैंक यू। ये हमारे कट हो गए हैं। अब हम अपने काजू को कट कर लेंगे। बादाम को कट कर लेंगे। बादाम को हम इसे लंबे टुकड़ों में कट करेंगे।
बीच बीच में हम ये चेक कर लेंगे कि हमारा हलवे की क्या कंडीशन है। देखिए हलवे ने, गाजर ने पानी छोड़ दिया है। इसे और बंद कर देंगे, इससे पक भी जाएगा और इसका जो पानी है वो जल्दी ही समाप्त भी हो जाएगा और ये पक जाएगा अच्छे से। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे काजू और बादाम लिया है, आप इसमें पिस्ता ऐड कर सकते हैं या और भी जो भी चाहें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। पिस्ता है, चिरौंजी है, आप अपनी पसंद के अनुसार उसे यूज़ कर सकते हैं। ये गाजर पक रहा बढ़िया, अभी इसमें इतना अच्छा कलर आया हुआ है और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बड़ी हेल्दी रेसिपी है। अब इसी कंडीशन पीस में हम अपने इसमें मावा मिला देते हैं, जो कि हमने 1 kg अमूल के दूध से बनाया हुआ है। तो ये मावा हमारा घर का ही बनाया हुआ है दूध से, इसलिए हमें दोबारा रोस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसे पहले ही मैंने बिल्कुल सूखा ही बनाया था। जब बाज़ार से हम ख़रीदते हैं तो उसे हमें थोड़ा सा रोस्ट करने पे उसका स्वाद और अच्छे से आता है, लेकिन घर का बनाया हुआ मावा है तो इसमें कोई आवश्यकता नहीं समझी मैंने।
इसे हम ऐसे थोड़ा सा दबा देंगे, पुश कर देंगे, तो ये जो मावा है ये जो है पूरे गाजर में फैल जाएगा। ये टुकड़े टुकड़े पीसेज में है इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। ये हमारा जो है गाजर का हलवा लगभग बनके तैयार हो गया है। अब इसी कंडीशन पे हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स और जो हमने लिया था इलायची का पाउडर ये भी इसमें डाल देंगे। इसके डालने से बहुत अच्छी खुशबू आती है, टेस्ट इसका काफ़ी बढ़ जाता है। अब हम इसमें गैस की फ्लेम को थोड़ा सा धीमा कर देंगे। गाजर का हलवा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। देखिए कितना बेहतर बनके तैयार हुआ है। इसके ऊपर हम तो देखिए गाजर का हलवा हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अमूल फेसबुक पेज, मैं अमूल को धन्यवाद देना चाहूँगी, अपनी फ्रेंड्स को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया, और मैं खुशबू मैम और अभिषेक सर का भी धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये लाइव सेशन करने के लिए जो है मुझे मौका दिया। तो इसी के साथ मैं ये लाइव सेशन कंप्लीट होता है और मैं विदा लेती हूँ आप सबसे। तो फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और अमूल के ब्रांड के साथ। मैं अमूल का भी बहुत अधिक धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनके ब्रांड बहुत अच्छे हैं। तो बाय बाय।